नमस्कार बच्चों, छायावाद उत्तर युगीन गद के बारे में हम पढ़ेंगे। 1936 के बाद का काल हिंदी गद्य साहित्य में छायावाद उत्तर काल के नाम से अभिहित है। इस समय देश में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ और 1937 में कांग्रेस ने पूरे देश में व्यापक प्रभाव का परिचय देते प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बना लिया था और 1939 में देते महायुद्ध आरंभ हो गया था। और ऐसे में ही 1947 में कांग्रेस विधानमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। सन 1940 में आचार्य विनोबा के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और 1942 में क्रिस्ट मिशन भारत आया था। वो अपने उद्देश्य में भारत जो है असफल रहे और कांग्रेस ने भारत छोड़ो ऐतिहासिक नारा दिया था और फिर स्वरूप 1947 में विदेशी सत्ता का अंत हुआ, लेकिन इसके साथ ही जो है सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में फैल गए थे। और राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित लेखकों ने क्रम से यथार्थवादी जीवन दर्शन शुरू करा था। फलस्वरूप एक नए 1938 में एक नए छायावाद का अंत हुआ। उसके बाद साहित्य को छायावाद उत्तर साहित्य कहा जाता है। छायावाद उत्तर में सर्वांगीण उन्नति हुई थी। इस विभिन्न गद्य विधाओं ने अभूतपूर्व बहुमुखी प्रगति की। इस युग के लेखकों ने हिंदी में कहानी उपन्यास आलोचना आदि क्षेत्रों में नए नए प्रयोग के और मनोभाव के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के माध्यम से बताया। इसके साथ ही स्वाधीनता प्राप्त करने से पूर्व साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया। स्वतंत्रता उत्तर साहित्य में नवीनता पर बल दिया। इस युग में विभिन्न गद्य की विधाएं भी आए और विभिन्न प्रकार की चेतना प्रवाह शैलियों का भी प्रयोग इसमें इस काल में किया गया। और फलस्वरूप वर्तमान लेखक मानव मन के सूक्ष्म संवेदनाओं को भी व्यक्त करने में सफल हो सके। छायोत्तर युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां साहित्य में प्रवर्ती। एक पीढ़ी साहित्यकारों की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लिखते आ रहे थे और दूसरे वे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस लेखक में लगे। इस काल में आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद देवी, रामदास दिनकर, यशपाल, उपेन्द्र अशक, भगत चरण वर्मा, अमृतलाल नागा, जितेंद्र कुमार, सचिदानंद वसन आगे ये प्रमुख, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि प्रमुख इस युग के लेखक थे। अजय प्रसाद द्विवेदी के गद्य में पांडित्य और चिंतन के साथ ही सहजता सरलता का अद्भुत समन्वय है और हिंदी में बाण भट्ट की समास धूमपित ललित पदावली अवतरित करे उसे अद्भुत गरिमा प्रदान की है। शांति प्रिय द्विवेदी अपने प्रभाव प्रकार भावोच्छ्वासी शैली के लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी के गद्य में विचारशीलता और यशपाल और अश का गद्य सामाजिक यथार्थ के रूप में व्यक्त करने में समर्थ है। भगवती चरण वर्मा का गद्य सहज व्यवहारिक पूर्ण और सारगंभित है। अमृतलाल नागर के गद्य में लखनवी तर्ज की है और मही आगे ने अपनी बौद्धिकता के लिए प्रसिद्ध है। और डॉक्टर नागेंद्र का गद्य समान तक प्रधान विश्लेषणात्मक और आत्मविश्वास की गरिमा से पूर्ण है। रामरक्ष बेनीपुरी ये अपने शब्दों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीण जीवन की निश्चल अभिव्यक्ति इनके गद्य को प्राणवान बना देती है। बनारसीदास चतुर्वेदी की ख्याति उनके संस्मरणों का जीवनियों रेखा चित्रों के लिए है। वासुदेव सागर अग्रवाल गद संस्कृत और आध्यात्मिक गरिमा से मंडित है। इसके साथ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अपने राजनीतिक संस्मरणों और रिपोर्टाज के लिए प्रसिद्ध है। करुणा व्यंग और भावुकता के समावेश को भी इनका गद अत्यंत आकर्षक हो गया है। भगवत शरण उपाध्याय इतिहास के चिर स्मरणीय घटनाओं को भावपूर्ण नाटकीय शैली में प्रस्तुत करने में समर्थ है। इनका गद्य इनके इतिहास एवं संस्कृत बोध का परिचय है। हरिशंकर पारसाई ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है। रेणु का गद्य विधान ध्वनि बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत करने में
उन्हें सजीव बनाने सक्षम है। कुबेरनाथ राय ने आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की गद परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन प्रदान किए। धर्मवीर भारती विचारपूर्ण गद लिखते रहे, साथ ही साथ इस काल के लेखकों ने हिंदी साहित्य गद को सशक्त बनाया। उनकी शब्द शब्दता में वृद्धि है और उसे जीवन की परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों, आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्वों व्यक्त करने में सक्षम बनाया है। आधुनिक युग में हिंदी नाटक जीवन से यथार्थ से जुड़कर नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। नाटकों में मनोवैज्ञानिक विधि और अंत द्वंद्वों को चित्रों का गीति नाट्य और एकांकित द्वारा बताया गया। उपेंद्रनाथ अशरफ, विष्णु प्रभाकर, जगदीश माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल और मोहन राकेश इस काल के प्रमुख नाटककार हैं। इसके साथ साथ यह इस काल की जो है प्रवृत्तियां भी प्रवृत्तियां वो क्या प्रवृत्तियां है कि इस काल में जीवन संघर्ष, आकांक्षाएं, आशाएं, कुंठाएं, विद्रोह, नवीन जीवन मूल्यों की तलाश इस युग की विशेषता है। कार्युग उपन्यासों का प्रमुख विषय है और शेखर जीवनी, परंतु बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा ऐसी उपन्यास है। जैनेन्द्र आगे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती और यशपाल, अमृतनाथ नागर इस युग के प्रमुख उपन्यासकार कहानीकार है। इसके साथ ही निबंधों के क्षेत्र में भी समसामयिक विषयों पर विचारात्मक और महादेव वर्मा और हरिशंकर पासे के नाम से शिव के निबंधकारों में विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी समालोचकों में मौलिकताएं, स्वतंत्रता, आलोचना दृष्टि का भी परिचय मिलता है। समालोचना की विधि, विविध रूप, दार्शनिकता आलोचना, मार्क्सवादी आलोचनाएं, सिद्धांत, व्यवहारिक आलोचना इस युग में रही। जीवन व्रत, आत्मकथा, यात्रा व्रत, रिपोर्टाज, गद काव्य, संस्मरण आदि विधाओं में भी नित नवीन नूतन प्रयोग किए गए और साहित्यकार पूर्ण निष्ठा तत्परता से हिंदी साहित्य के इस रचना यज्ञ को संपादित करने के लिए लय प्रयासरत है। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है इस प्रकार से जो है हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य के सिंहावलोकन के लिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य की सर्वागण उन्नति का काल है, इन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो बच्चों यही तक आपको मैंने बताया इसका और बारे में हम जो गद की विभिन्न विधाएं उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।